हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है और आज मैं इस वीडियो में आपको गेमिंग फूड्स के बारे में बताऊंगा जो आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। तो एक नंबर में आता है पानी, जो गेम खेलते समय आपके साथ हमेशा होना ही चाहिए। मतलब शरीर को हाइड्रेटेड रखना हर वक्त बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट है नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है और गेमिंग करने के लिए ब्रेन का पावर भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हमारे ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा फैट से बना हुआ है, तो फिश ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन का फंक्शनिंग ठीक करने के लिए और गेमिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो कर्ड योगर्ट भी गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और ब्लूबेरीज भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो आपको फोकस रखेगा और ज़्यादा फटीग नहीं होने देगा। सब टाइप के फल जैसे एप्पल, बनाना, पीच हो गया, और एनर्जी ड्रिंक जिसमें शुगर नहीं है, सिर्फ वही एनर्जी ड्रिंक गेमिंग के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन यह मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यह सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए गेमिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह खराब भी साबित हो सकता है। तो मैंने बता दिया जो जो चीज़ आपको खाना पड़ेगा गेमिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और जो जो चीज़ नहीं खाना पड़ेगा, मतलब जो जो चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो एक नंबर में आते हैं शुगर। भाई ये गेमर्स का दुश्मन है, ये समझ लो, क्योंकि भाई शुगर जब भी आप खाते हो तब 2-3 मिनट के लिए आपकी गेमिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको मोटा बना देगा और आपका फटीग इतना ज़्यादा कर देगा जिससे आपका गेमिंग में फोकस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और खेलने समय बहुत तकलीफें होगी। और ऐसे ही 2 नंबर में कॉफ़ी, इसका भी सेम ही है, सिर्फ 2-3 मिनटों के लिए आपका गेमिंग स्किल्स बढ़ा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बहुत ही ख़राब है। और वैसे ही स्वीट कैंडी से भी सेम ही इफेक्ट पड़ता है। सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर है, हर सॉफ्ट ड्रिंक में होता ही है ज़्यादा शुगर, वो आपके लिए ख़राब है। एक्स्ट्रा जो फ्राइड फूड्स होते हैं वो गेमिंग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपको मोटा बना देता है और मोटापन आपके दिमाग को बहुत ही लेज़ी कर देता है। इसीलिए अच्छा फैट दिमाग को लेज़ी नहीं करता, ये जो पूरा फैट होता है, फ्राइड तेल होता है, वही दिमाग को लेज़ी करता है। और ज़्यादा ठंडा पानी भी हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, मीड ब्रेन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो कोशिश करें हमेशा गर्म पानी या फिर ठंडा गर्म, दोनों के बीच में जो होता है पानी, ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं, वो पानी पीने का कोशिश कीजिए। किसी भी टाइप के सस्ते नशे भाई मत करना, ये लाइफ के लिए बोल दिया मैंने, ये कभी मत करना, क्योंकि भाई ये बहुत ही बुरा साबित हो सकता है गेमिंग के लिए भी और लाइफ के लिए भी। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब मारना। ये मेरा नया आइडिया आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए बाय बाय।